चलिए दोस्तों, आज बनाएंगे सूजी से बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता, और वो भी बहुत ही कम तेल मसालों से। बनाने में जितना ज्यादा आसान है, खाने में उतना ज्यादा ही स्वादिष्ट है। तो सूजी यहाँ पर मोटी पतली कोई भी ले सकते हैं नाश्ता बनाने के लिए। यदि रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने डाल दिया सबसे पहले मिक्सी जार में 1 कप सूजी, और 1 कप सूजी के लिए हमने 1 कप ही दही को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर 1 कप दही भी डाल देंगे। आपके पास दही नहीं है तो आप यहाँ पर माठा, छाछ कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं 3 हरी मिर्ची है। 3 हरी मिर्ची तीखा स्वाद के अनुसार आप रख सकते हैं। और मिर्ची डालने के बाद यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच जितना तेल। तो यहाँ कुकिंग ऑयल डाला है मैंने, रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ पर जो भी ऑयल खाते हैं डाल सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, और नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 कप जो है पानी। तो 1 कप सूजी के लिए मैंने 1 कप दही और 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब इस सूजी को हमें जो है ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने ग्राइंड कर लिया है। इसे हम एक बाउल में जो है ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सूजी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरीके से ठीक है, और इसी तरीके से हमें रखना है। तो चलिए, अभी सूजी फूली नहीं है तो इसे हम ढक करके रख देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में, और उसके बाद चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। इसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद इसमें ये देखिए रख देते हैं 1 स्टैंड, और उसके बाद इसको हम ढक देंगे। अब पानी में अच्छा उबाल आने देंगे जब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड, ये देखिए मैंने 3 प्याली लिया हुआ है। आप यहाँ पर इसे कटोरी में भी बना सकते हैं। मैं इस प्याली में नाश्ते को बना रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है प्याली में थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे अच्छी तरीके से। तो तीनों ही प्याली में मैंने ये देखिए इस तरीके से तेल से ग्रीस कर दिया है, और अब यहाँ पर सूजी को देख लेते हैं। तो सूजी भी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 टमाटर, जिसे मैंने जो है बारीक काट लिया था। साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 जो है बारीक कटा हुआ प्याज। इसमें आप मनपसंद सब्जी भी डाल सकते हो, आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च वगैरह भी डाल सकते हो, पर अभी मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, सिर्फ मैंने प्याज और टमाटर इसमें इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद इसको जो है डालने के बाद अच्छे तरीके से हम इसको चला देंगे, और चलाने के बाद यहाँ पर ये देखिए मैंने इनो लिया है, और यहाँ पर इनो को मैंने जो है 1 पाउच का जितना होता है उसमें से मैंने 1/2 जो है इनो का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर इनो को डाल देंगे और 1 चम्मच इसमें पानी डाल देंगे, और अब इसे हल्के हाथों से ये देखिए मिला देंगे। ये नाश्ता 5 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाता है, बहुत ही कम टाइम लेता है, लेकिन नाश्ता खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, और इसके लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो चलिए, यहाँ पर ये देखिए मैंने प्याली को फिर से ले लिए है। अब प्याली में हम जो है इक्वल मात्रा में देखिए जो है बैटर को जो हमने बनाया है हम यहाँ पर डाल देंगे। पूरी पूरी कटोरी नहीं फुल करनी है, बस इसे थोड़ा खाली भी रखना है क्योंकि ये नाश्ता भी थोड़ा फूलेगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जो है तीनों में बराबर से डाल दिया है। तो रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, रेसिपी पसंद आती है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं अब गैस की तरफ। यहाँ पर देखिए पानी में अच्छा उबाल आ रहा है, तो हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को अब लो फ्लेम पर कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पर ये देखिए जो हमने बैटर बनाया है यहाँ पर कटोरी को हम इस तरीके से इसमें सेट कर देंगे। और आराम से इसे रखिएगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, तो पानी का जो है भाप हाथ में लग सकता है। तो बस यहाँ पर इसे हमने ये देखिए रख दिया है। अब रखने के बाद इसमें हम थोड़ा सा जो है लाल मिर्ची का पाउडर इसमें ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे, जिससे कि जो नाश्ता है वो देखने में अच्छा लगेगा और खाने में थोड़ा सा हल्का सा तीखापन भी आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जो है तीनों में जो है हल्का हल्का सा ये देखिए लाल मिर्ची डाल दिया है, और डालने के बाद इसे हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे। हमें इसे स्टीम करना है तो 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड, 10 मिनट हो चुका है, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो नाश्ता है वो पका हुआ है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है हम टूथपिक लेंगे और इसे हम जो है चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हम इसे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर एकदम क्लीन निकला है। तो ये नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है। इसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए, इसको निकालना बहुत ही आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं।
आप इसे एक स्पून से या फिर एक चाकू की मदद से आराम से निकाल सकते हैं और ये बहुत ही इजीली निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक स्पून लिया है और स्पून से ये देखिए पीछे वाले हिस्से से ये देखिए बस इस तरीके से कट लगाएंगे और ये नाश्ता निकल कर ये देखिए बाहर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को निकाल लेंगे और देख सकते हैं कितना ज़्यादा जालीदार स्पॉन्जी ये नाश्ता बन करके तैयार हो गया है और देखने में कितना ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा है। तो चलिए इसे और भी स्वादिष्ट अभी हम बनाएंगे। तो ये देखिए पहले हम निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर तीनों ही नाश्ते को हमने निकाल लिया है। और फ्रेंड अब चलते हैं फिर से गैस की तरफ। तो फिर से मैंने सेम कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है इसमें 2 चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो कुकिंग ऑयल खाते हो ना डाल सकते हो। यहाँ पर तेल डालने के बाद इसमें हम थोड़ी सी जो है राई के दाने, महीन मोटी कोई भी हो राई आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डाल देंगे और इसे चटकने देंगे। जब ये थोड़े से चटकेंगे ना तभी आप इसमें डालिएगा, नहीं तो फिर ये नाश्ता कड़वा हो सकता है। तो राई के दाने चटक गए थे तो इसमें मैंने ये देखिए नाश्ते को इस तरीके से रख देंगे और इसे जो है थोड़ा सा हम जो है दोनों तरफ से इसे जो है पलट पलट करके सेक लेंगे, जिससे क्या होगा जो नाश्ता है वो खाने में स्वादिष्ट भी लगेगा और थोड़ा सा ये क्रिस्पी भी हो जाएगा। अंदर से सॉफ्ट और जालीदार ये बनके तैयार हुआ है लेकिन ऊपर से थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाएगा तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जो है तीनों को ही अच्छी तरीके से ये देखिए सेक करके तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे अब सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए मैंने नारियल की चटनी के साथ इसे सर्व किया है और नाश्ता देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो आज की नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई रेसिपी को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये स्पंजी बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही जालीदार, बहुत ही सॉफ्ट। तो देखिए मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पंजी बना हुआ है। तो नाश्ता को ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।